बगल में ही मिरर्स लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन से समझ में नहीं आता कि कट लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में जो बना हुआ ये पैटर्न, ये मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी का पिकॉक है। आप चाहो तो फिश या और कोई भी ले सकते हो डिजाइन। तो आप स्टील का प्लेट ले लीजिए या प्लास्टिक का ले लीजिए, कोई भी प्लेट आप यूज करेंगे, और फिर उसके ऊपर आपको ऐसा पूरा लेयर करना है पाउडर का, पूरा टेलकम पाउडर का आपको ऐसा लेयर करना है। और ये 4 मोल्डेड्स इन्होंने मिक्स किया हुआ है, क्योंकि जो थिकनेस होगी वो थोड़ा सा आपकी मोटी होनी चाहिए। अगर मोटी नहीं होगी तो फिर ये प्रॉपर प्लेट आपकी निकलेगी नहीं। तो इसको आप बेल लीजिए अच्छे से। ये बेलना कहाँ मिलेगा मैडम? बेलन भी ले लीजिएगा, नहीं है तो पाउडर के उससे बेल लीजिएगा। पाउडर का होगा ना डिब्बा आपके पास, उससे बेलिए। थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो निकलेगा नहीं। जॉइंट्स नहीं लगाइएगा एक बार में, अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं इवन रखिएगा एक सा, ऐसा नहीं कहीं वहाँ पतला कहीं मोटा, ऐसा इन्होंने थोड़ा पहले मिक्स कर दिया था। राउंड आप निकाल लेंगे काट करके, है ना, राउंड इसके अंदर नहीं रहेगा। राउंड आप अभी इसको पूरा साइड करेंगे, और मिरर्स फिर आप बीच बीच में राउंड लगा देंगे। जिनको ड्रॉप कट करना है वो ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे और फिर उसको काट कर निकालेंगे। क्लियर है? ओके। राउंड इजी है बट लुक वाइज ड्रॉप अच्छा लगता है। रोज का काम है, रोज बेल पाएंगे लोग गोल। ये अभी हम निकालेंगे, होता जा रहा है। इसको होल आपको निकालना है काटना, है ना, ये आपको साइड करना होगा। बेलन को एक मिनट, अभी छोटा है थोड़ा। ये देखिए, ये काट कर हमने निकाल लिया। ये राउंड आपको ऐसा काट कर निकालना है, ये कहीं कट्स लग गया हो या स्मूथ ना हो ये साइड से। तो थोड़ा सा पाउडर लीजिए, सॉरी पानी ले लीजिएगा, और पानी से इस तरह से ये फिनिशिंग दीजिएगा। निकाल लीजिएगा, कट लगा देगी क्योंकि कट वर्क प्लेट है ना, ये इसलिए भी कट लगा हुआ है। देखिए, पहले आप लोग इस प्लेट को प्रॉपर निकालिएगा, जैसे आपके इसमें इसे थोड़ा रफ आ गया है ना, इसको फिनिशिंग देना था आपको। क्लियर? जैसे आपने इसको वाइट किया, वाइट एक्रेलिक प्रॉपर ड्राई होने दीजिएगा। ड्राई होने के बाद देखेंगे आप लोग कि इसमें ये मधुबनी पिकॉक बना हुआ है। तो पिकॉक की जगह मधुबनी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, फिश होती है या फ्लावर होता है, राधा कृष्ण होते हैं। तो कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी पिकॉक ड्रॉ कर दे रही हूँ, आप लोग देखेंगे। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्रेस भी कर सकते हैं। कार्बन रख के ट्रेस भी हो जाएगा, कुछ ट्रेसिंग भी है हमारे पास। कलर्स के अकॉर्डिंग आप लोग पूरा इसमें एक्रेलिक कलर से पेंट कर दीजिएगा, जैसा इसका शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कलर करना है। व्हाइट कलर देके करने के बाद एक बार में ये कलर इजिली आ गए। लाइनर में ही ब्लैक, आप व्हाइट आउटलाइनर भी ले सकते हैं। प्लेट में हम जैसे ब्लैक या ब्राउन ये ब्राइट कलर्स करेंगे, क्योंकि अंदर ये पूरे डार्क शेड्स हैं, तो ये हाईलाइट होते हैं ब्लैक करने के बाद। तो पहले जो ऑब्जेक्ट है इसको कलर कर लीजिएगा, फिर आपका जो प्लेट है, प्लेट पर आप ओवरऑल पूरा ब्लैक कलर करेंगे। ये पूरा जो छोटा हुआ पोर्शन है ब्लैक कर देना, ड्राई हो जाएगा। फिर आउटलाइनर से देखिए, मैंने ये बनाया हुआ है, कलर करना है लास्ट में।
बिंदी डॉट्स लाइनर से बनाना है ना। फिर जब ब्लैक ड्राई हो जाएगा फिर ये जो होल्स है इसके बगल में हमने मिरर्स